हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष डागर, स्पाइन स्पेशलिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमने एक नया स्पाइन का प्रोसीजर किया है जो कि बहुत रेयरली किया जाता है। मेरे साथ प्रतिमा जी हैं, ये मेरे पास आई थी ओपीडी में। इनको कमर में बहुत ज़्यादा पेन था और कमर से होते हुए इनके राइट लेग में पेन जा रहा था। ये दर्द के कारण मुश्किल से 3 से 4 मिनट तक खड़ी हो पा रही थी। इनका वॉकिंग डिस्टेंस भी 100 to 200 meters पे सीमित हो गया था। इसकी वजह से इनकी पूरी जो लाइफस्टाइल है वो खराब हो गई थी। जब ये हमारे पास आई तो हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने एक्सरे में पाया कि इनकी L4 नाम की जो हड्डी है वो आगे की तरफ खिसक रही है, जो उसके नीचे वाली L5 नाम की हड्डी होती है उसके हिसाब से। तो हमने इनको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और एक MRI कराया। MRI में हमने पाया कि राइट साइड की L4 नर्व है जो कि बाहर निकल रही थी L4 हड्डी के नीचे से, हड्डी के आगे खिसकने की वजह से उसमें कंप्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से इनके राइट लेग में पेन जा रहा था। इसके अलावा इनके स्पाइन में और कोई इशू नहीं थे। तो हमने प्रतिमा जी से डिस्कस किया कि इसमें हमें ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। तो हमने एक नई टेक्निक जिसको हम ओलिफ बोलते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा कि जो स्पाइन की सर्जरीज होती हैं तो उसमें जो चीरा लगता है पीछे की तरफ लगता है, आपकी बैक में लगता है, जो ओलिफ नाम की सर्जरी है ये एडवांस टाइप की सर्जरीज होती हैं जिसमें हम जो सर्जरी करते हैं वो साइड से करते हैं, ऑब्लिक इंसिजन से, जो एब्डोमेन पे आपका इंसिजन लगता है ये 3 to 4 centimeters का इंसिजन होता है, हाईली मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती है। इसका फायदा ये होता है कि यूजली जब हम पीछे से सर्जरी करते हैं तो जो आपकी नर्व्स हैं वो वहीं से जा रही होती हैं, तो उन नर्व्स के बीच में से जाके हमें सर्जरी करनी होती है, तो चांसेस होते हैं उन सर्जरी के दौरान उन नर्व्स को डैमेज करने का। जब हम साइड से सर्जरी करते हैं तो वो नर्व्स बीच में नहीं आती हैं, हम डायरेक्टली ही आपकी जो डिस्क है जो खराब हो गई है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और ये मिनिमल इन्वेसिव है। हमारे पास एक स्पेशल टाइप के डिटेक्टर्स होते हैं जिससे आपके जो सारा टिश्यू साइड में हो जाता है और हमें 2.5 to 3 centimeters का एक कॉरिडोर मिल जाता है जिसके थ्रू हम ये सर्जरीज करते हैं। तो सेम प्रोसीजर से हमने इनका सर्जरी किया, जो डिस्क डैमेज था उसको वहाँ से हटाया, उसकी जो हाइट है वापस रिस्टोर करी, और उसको हमने एक केज नाम की चीज़ होती है जो दोनों हड्डियों के बीच में डाल दी हमने साइड से, जिसकी वजह से जो नर्व पे कंप्रेशन था वो चला गया, जो हड्डी आगे खिसक रही थी वो अपनी जगह पे आ गई, फिर हमने पीछे से स्क्रू डाल के उसको फिक्स कर दिया। अब हम प्रतिमा जी से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो प्रतिमा जी, ऑपरेशन से पहले थोड़ा सा बताएंगे कि आपको क्या क्या तकलीफ थी। ऑपरेशन से पहले सर मैं थोड़ा देर भी खड़ी नहीं हो पाती, 2 to 3 minutes, ज़्यादा से ज़्यादा 3 minutes खड़ी हो पाती थी, और कोई भी काम करती थी तो मतलब जैसे 2 minutes करने के बाद तुरंत बैठ जाती थी, बहुत चलने में प्रॉब्लम होता था और दर्द से खड़ी नहीं हो पाती थी। तो उसके बाद अभी ऑपरेशन के बाद तो काफ़ी अच्छा है। तो प्रतिमा जी, ऑपरेशन के इमिडिएटली बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑपरेशन के 1 week तो मतलब प्रॉब्लम था, काफ़ी ज़्यादा था, बट 1 week के बाद धीरे 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 करके प्रॉब्लम सॉल्व होते चला गया। ठीक है, अभी आपका फिलहाल जो राइट पैर में दर्द जा रहा था वो अभी है आपको? राइट पैर में बिल्कुल नहीं है। और कमर दर्द कैसा है अभी आपका? कमर में पेन नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे जो अपने डेली एक्टिविटीज थी, आप किचन का काम है, घूमना फिरना आराम से कर पा रहे हैं? जी सर, अभी तो कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे। और घूमना फिरना आराम से कर पा रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू।